नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। मेरा नाम है सिराज। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक के बारे में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दो प्रक्रिया बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि सही प्रक्रिया क्या है जिससे हम अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। मैं आप लोगों को दो प्रक्रिया बताने वाला हूं जिससे कि आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर पाइएगा, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो किस तरीके से आप लोग को आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग वहां पर जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आप लोगों का दो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो इन प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो है माई आधार जो पोर्टल है इस पोर्टल पे आप लोगों को आना होगा। आप सीधे गूगल में टाइप कर सकते हैं माई आधार, तो सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप जो है इस पोर्टल पे आ सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोगों का पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे करना है, यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों का जो है ऑफलाइन यहाँ पे सेंटर पर विजिट करके जो है आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो है लोकेट एनरोलमेंट सेंटर का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने स्टेट के मुताबिक, अपने पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड के मुताबिक और सर्च बॉक्स से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आपके आसपास में कौन सा यहाँ पे जो है आधार सेंटर है जो कि आप लोगों का चल रहा है। मान लीजिए कि आप लोगों को अपने पिन कोड के माध्यम से चेक करना है तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो अपना पिन कोड डालना है, मैं जो यहाँ पे पिन कोड डाल लेता हूँ। पिन कोड डालने के बाद अगर आप जो है सिर्फ चाहते हैं कि जो परमानेंट सेंटर है वही आप लोगों को शो करे तो इसको टिक करना है, नहीं तो आप लोगों को इसको रहने देना है। और यहाँ पे आप लोगों को जो है ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे, ये कैप्चा आप लोगों को यहाँ पे जो है टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है टाइप कर रहा हूँ, टाइप करने के बाद यहाँ पे लोकेट सेंटर का ऑप्शन है, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों का शो कर देगा आपके आसपास में, यानी कि इस पिन कोड के आधार पे जितना भी आप लोगों का सेंटर है सारा सेंटर आप लोगों का शो कर देगा। यहाँ पे आप देख पाओगे सारा सेंटर का आप लोगों का जो लिस्ट है वो आप लोगों का यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रार के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे ICICI बैंक की तरफ से ये सेंटर चलाया जा रहा है। और यहाँ पे पूरा एड्रेस आप लोगों का बताया गया है, और यहाँ पे आप लोगों का पूरा जानकारी दिया गया कि कितना सेंटर में इनरोलमेंट हुआ है, कितना अपडेट हुआ है, सारा कुछ आप लोग यहाँ पे जो है बताया गया है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास में जो है कौन सा इनरोलमेंट सेंटर है, वहां पे जाकर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। सेकंड जो आप लोग का ऑप्शन है दोस्तों, वो आप लोग को फिर से जो यहाँ पे वापस आना है। वापस आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, बुक एन अपॉइंटमेंट का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है कि इसके माध्यम से आप क्या क्या बदल सकते हैं या फिर क्या क्या काम कर सकते हैं, सारा आप लोग यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रेश आधार इनरोलमेंट आप कर सकते हैं, नेम अपडेट कर सकते हैं, आधार एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का जो है मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं, जेंडर अपडेट कर सकते हैं, और बायोमेट्रिक भी आप यहाँ पे अपडेट कर पाइएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहले जो आप लोग का आधार सेवा केंद्र जो UIDAI की तरफ से चलाया जा रहा है उसका आप लोग का पूरा लिस्ट यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपके आसपास में ये सेंटर है तो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को इंडियन रेसिडेंट रहने देना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा आप लोग को फिल करना है, और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है, और अपना जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को डालकर सबमिट और प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो मैं जो यहाँ पे सबमिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे ओटीपी सबमिट करते कुछ इस तरीके से आप लोग का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि न्यू इनरोलमेंट करना तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड में अपडेट करना है तो अपडेट आधार पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, कुछ इस तरीके से आप लोग का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप जो डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट यहाँ पे करवाना चाहते हैं, यानी कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसमें जो कुछ और आप लोगों का डिटेल है और आप अपना आधार कार्ड में वही डिटेल डलवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट आप लोग को रहने देना है। अगर आप जो यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली के द्वारा यहाँ पे अपडेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम डालना है, आधार नंबर डालना है, और यहाँ पे आप लोग को जो क्या अपडेट करवाना है वो आप लोग को सेलेक्ट करना है। तो हमें जो यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे आप लोग को जो अपना नेम लिख देना है, और यहाँ पे आप लोग को प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब प्रोसीड करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को सेवन प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेवन प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का शो कर देगा।
अगर आप लोगों का कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो यहाँ पे आप लोग का जो मोबाइल नंबर शो नहीं करेगा, लेकिन मेरा जो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक है तो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। यहाँ पे आपको टिक करना और सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को 50 रुपए का पेमेंट करना होगा और यहाँ पे एक डेट आप लोग को सिलेक्ट करना होगा जिस डेट में जो है आप आधार सेंटर पर जाकर जो है अपना यहाँ पे चेंज करवाना चाहते हैं। वहां पे आप लोग को जो है आधार सेंटर भी सिलेक्ट करने के लिए आएगा। मैं जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं जो आप लोग को आगे का प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन वहां पे आप आगे कीजिएगा तो आप लोग का एड्रेस मांगा जाएगा। आपके आसपास में जो भी यहाँ पे आधार सेंटर होगा वो आप लोग का शो करेगा जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया था। उसके बाद आप लोग को आधार सेंटर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को जो डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट को आप लोग वहाँ पे जो है आधार सेंटर पर जाना है और वहां पे आप लोग को डेट सेलेक्ट करके 50 रुपए का पेमेंट कर देना है तो आप लोग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो कोई भी आप लोग का ऐसा मेथड नहीं है जिससे कि आप घर बैठे ऑनलाइन जो है सारा कुछ यहाँ पे कर पाएं, अपना ऑनलाइन जो यहाँ पे लिंक कर पाएं, क्योंकि यही दो मेथड आप लोग का सरकार की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। कोई अन्य जो है आप लोग का मेथड नहीं है। तो कोई भी अगर आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन यहाँ पे कर पाइएगा तो वो जो है गलत आप लोग का जानकारी दिया जा रहा है, क्योंकि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद आप जो है आधार कार्ड में जितना भी सर्विस है उसका उपयोग कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बहुत सारा चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए जो है इसको ऑनलाइन आप लोग का नहीं दिया गया है, आप लोग को ऑफलाइन सेंटर पर जाकर ही यहाँ पे जो अपडेट करवाना होगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर को लिंक करवा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए धन्यवाद।